क्वेश्चन 22। एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ द प्रिज्म व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 बाय रूट 2 बाय 5। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक्वेरियम टाइप है जिसमें ऐसा लिक्विड हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो 4 रूट 2 बाय 5। इसमें हमने प्रिज्म डाल दिया, ओके ऐसा इसमें प्रिज्म डाला हुआ है, ये है 4 रूट 2 बाय 5, और लाइट ऐसे एंटर होती है क्योंकि मिनिमम डिविएशन है। दिस रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज ऑलवेज पैरेलल टू बेस बिकॉज इट इज एट मिनिमम डिविएशन। देखते हैं कैसे मिनिमम डिविएशन को। अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट चली जाती है ऐसी, क्योंकि यह लाइट जा रही है ऐसे, तो हम इसको एक्सटेंड करके देखते हैं कि इतने से लाइट घूम गई, डेल्टा मिनिमम इसे कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल टू बेस है। नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेंशन किया, एंगल ऑफ इमरजेंस मेंशन किया। तो हमको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन आई बाय साइन आर होता है, ठीक है। या यू कहें ये कौन सा इफेक्टिव इंडेक्स है ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाइट मीडियम से आ रही है ना, तो स्नेल्स लॉ लिखा जाता है ऐसे, म्यू मीडियम साइन आई, क्योंकि मीडियम से आ रहा है, इज इक्वल्स टू म्यू ग्लास साइन आर, क्योंकि एंगल आर जो है वो ग्लास में है। सो वी हैव साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू मीडियम, और इसी को लिखते हैं ऐसे, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, ऐसे लिखा जाता है, ओके। सो देख सकते हैं कि ग्लास का ऊपर है कितना है, 1.6 अपॉन 4 रूट 2 डिवाइड बाय 5, ऐसे आएगा, इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये ऊपर चला जाएगा, 1.6 इंटू 5 विल बी 8 अपॉन 4 रूट 2, एंड इट विल बी 2 बाय रूट 2, दैट विल बी रूट 2। ये 2 टाइम्स आएगा, 2 बाय रूट 2 इज रूट 2, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो वी हैव रूट 2 इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। नोटिस करें, एट मिनिमम डिविएशन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए जो होता है वो 2R हो जाता है, क्योंकि R1 इक्वल टू R2 हो जाता है। सो R की जगह पर a/2 रखा जाएगा। ऑल्सो जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, डेल्टा इज I+E। एट मिनिमम डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमरजेंस दोनों बराबर हो जाते हैं, तो 2i इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस a, एंड i इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस a अपॉन 2, ये i हो जाता है। सो √2 इक्वल्स टू sin i इज डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिवाइड बाय 2 अपॉन, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रिज्म है, sin 60 बाय 2 इज 30, ओके। अब इसको वहाँ ले जाइए, √2 इंटू 1 बाय 2 इज साइन इन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिवाइड बाय 2, ओके। दिस इज 1 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, सॉरी, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस 60 बाय 2। सो वी कैन राइट इट एज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिवाइड बाय 2। दिस इज कितना आता है, 45 डिग्री इंटू 2 माइनस 60 इज डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम कितना आया, 30 डिग्री, एंड दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।